तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्स की पुकार में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग जो है जियो का सिम यूज करते हैं, बट जो उनका नेटवर्क है, जो डेटा है, वो बहुत ही स्लो चलता है। मतलब उनके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं। तो आज हम आपको बताएंगे दोस्तों ऐसी सेटिंग्स जो आप लोग नहीं किए होंगे, इस वजह से जो है आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, आप लोग को अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आज हम आपको जो बताएंगे बिल्कुल आप लोग अच्छे से करिएगा, कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और जो आपका डेटा है ना, वो दोस्तों बिल्कुल रॉकेट जैसा यहाँ पर जो चलेगा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो कैसे क्या करना है सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो बस इस वीडियो को दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना नई नई जो है अपडेट्स या फिर टेक से रिलेटेड अब वीडियोज़ मिलती हैं। तो आइए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या है, बस ध्यान से आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको जो है अपने जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपको सीधे देखिए आपको अपने सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। और सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आपको सिंपल करना क्या है, आपको ढेर सारे ऑप्शन आएंगे ना, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन। ठीक है, आपको सिंपल सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों ऊपर में आपका यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर दिखा देगा और आपके सिम का नेम दिखा देगा। ठीक है, जो भी सिम यूज़ करते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, वीआई, जो भी तमाम, तो आपको यहाँ पर दिखा देगा, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन, जस्ट उसी के नीचे आपको मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन, तो आपको एक्सेस पॉइंट नेम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब एक्सेस पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा एपीएन, न्यू एपीएन सेटिंग्स। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। दोस्तों काफ़ी लोग जो होता है क्या ना, कि सेटिंग्स नहीं किए रहते हैं, ठीक है, अपने सिम में, और दोस्तों वो जो है लगते हैं फटाफट से नेट चलाने, और यही दोस्तों वो लोग जाकर फंस जाते हैं कि उनका जो डेटा है वो अच्छे से स्पीड नहीं दे पाता है। ठीक है, चाहे दोस्तों वो कोई भी हो, ठीक है, उनका डेटा अच्छे से स्पीड नहीं देता है, इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर जो ऊपर में आपको नेम देखने को मिल रहा है, ये आपको सेट करना है नेम। ठीक है, कौन सा सिम यूज करते हैं, आपको एपीएन, मतलब मैं आपको बता देना हूँ, आप लोग आसानी सेट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एपीएन पे क्लिक करके सेट करना है। नीचे आपको एक पासवर्ड, आपको कोई एक पासवर्ड बना लेना है, ठीक है, अपने सिम का। ठीक है, एक पासवर्ड बनाने के बाद दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तीन चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ये आपको करने के बाद यहाँ से आपको सीधे बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा रीसेट का ऑप्शन। ठीक है, आपको सिंपल रीसेट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको पूरा अपने डेटा को रीसेट कर देना है। ठीक है, रीसेट जैसे करेंगे पूरा यहाँ से बैक आ जाएगा। बैक आने के बाद लास्ट में आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फ्लाई मोड का, आपको सीधे इस पर क्लिक करके फ्लाई मोड में डालना है। 5 से 10 मिनट बाद, ठीक है, आप लोग अपने जो है यहाँ पर फ़ोन को ओपन करिएगा, मतलब यहाँ पर इसे इस तरीके से हटा दीजिएगा। हटाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका डेटा आ जाएगा और बिल्कुल दोस्तों रॉकेट के जैसा चलेगा, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमारा चलता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा मतलब है ना, ये यूट्यूब वगैरह सब कुछ यहाँ पर बहुत तेज़ी से यहाँ पर चलता है। तो आसानी से इस तरीके से आप लोग आसानी से जो है अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप सब लोग अपने ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।